बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम मेट्रो आए थे मिंट से थी कलेक्शन लेके, तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जी बहुत ही खूबसूरत सा कलेक्शन आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये सबसे पहले ड्रेस इन्होंने जो दिखाया था बिन सैद का, ही फुल एम्ब्रॉयडरी ड्रेस था मैरून कलर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। 3300 इसके रेंज, इस रेंज के ये ड्रेसेस थे। ये देखिए, इस पर कुछ मिरर वर्क भी हुआ हुआ था, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रेस था। अच्छा, इन्होंने कुछ क्लियरेंस सेल भी लगाई हुई थी, कुछ न्यू अराइवल भी ड्रेसेस थे इनके पास, कुछ कैजुअल वेयर थे। तो आगे जाके वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको लोग के लिए नई लेकर आए हैं। ये देखें, जिसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उस पर कुछ चिकनकारी का भी काम हुआ हुआ था। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कुछ जो है ना ये फैंसी ड्रेसेस दिखाए थे, जो 3000 की रेंज में इन्होंने सेल में लगाए हुए थे। फुल फैंसी थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर थे, पिंक ऑरेंज तकरीबन हर कलर था इसमें। और सारे ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और सब के सब जो है ये वैसे नॉर्मली महंगे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 3000 के सेल में लगाए हुए थे। कुछ क्लियरेंस सेल थी, कुछ न्यू अराइवल भी थे इसके पास। अच्छा, इसके बाद हम जो नीचे दूसरे ड्रेसेस की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो हमें ड्रेसेस दिखाई, ये लेलन के ड्रेसेस थे, जो 2050 रुपीस के ईच ड्रेस था। ये देखिए, येलो कलर का, लाइट येलो ग्रीन। अच्छा, ये कॉटन के थे, कॉटन भी 2015 रुपीस का ड्रेसेस थे। इसमें भी काफ़ी कलर थे, ये कलर था पिंक था, ब्लू था, येलो कलर था, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत कलर इनके पास अवेलेबल थे, पर्पल कलर भी थे। ये देखें, इसके बाद जी यहाँ पे चल गए थे हम, ये कॉटन की कुछ वैरायटी थी इनके पास, कॉटन की क्लियरेंस सेल थी। ये भी 2200-2300 इसी रेंज में थे सारे। ये देखें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से कलर थे, मुझे सारे ही कलर बहुत अच्छे लग रहे थे, लाइट और डार्क सब कलर बहुत अच्छे थे। ऑफिस स्पेशली जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स या ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे। फिर हम ये इन्होंने दिखाई थे जैकार्ड के सूट, जैकार्ड के फैंसी बहुत ज़बरदस्त बनारसी कलर कंट्रास्ट में थे कुछ सूट। इनकी रेंज ये 3000 की रेंज में थे, जो कि 4000-4500 की रेंज वाले सूट, ये 3000 इन्होंने सेल में लगाए हुए थे। ये कंट्रास्ट दुपट्टा था ब्लैक कलर का, जो ये खोल रहे थे, बहुत खूबसूरत ड्रेस था ये। ये देखें जी इसका, ये इसकी शर्ट नहीं, ये आई थिंक इसकी शर्ट थी और रेड इसका दुपट्टा था, ब्लैक ड्रेस था और रेड इसका दुपट्टा था। ये शर्ट है इसकी, फुल बनारसी जैकार्ड में, और ये इसका कंट्रास्ट में दुपट्टा था। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी बहुत मज़ेदार से कलर थे, बहुत मज़े मज़े के ड्रेसेस थे, जो कि आगे चल के आपके इसमें शेयर करूँगी। येलो ग्रीन ब्लू हर कलर इसके अंदर था, और ये सब ही 3000 के सेल में लगे हुए थे। ये पिंक कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, पिंक एंड ब्लू का कंट्रास्ट था। ये इसके अलावा ये भी देखें, ये ग्रीन कलर का ड्रेस था, लाइट ग्रीन सा था, लाइट ग्रीन और पर्पल का कंट्रास्ट था। मतलब सारे ही कलर इनके पास, कलेक्शन बहुत खूबसूरत थी। ये ब्लैक पे ब्लैक का ही कंट्रास्ट था, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, सारे कलर इनके पास अवेलेबल था, ठीक ठाक इनके पास स्टॉक था, अच्छा खासा स्टॉक था इनके पास, और ये सब के सब 3000 के सेल में लगे हुए थे। अच्छा, ये वाले ड्रेसेस आप शादी में भी वेयर कर सकते हैं, कोई फंक्शन हो, मेहंदी माइयों में भी कर सकते हैं। इस टाइप के कलर भी थे इसके अंदर। ये देखिए, ये येलो और रेड कलर सा कंट्रास्ट सा था, जैसे मेहंदी माइयों में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जब नारसी ड्रेसेस के तौर पे। ये कलर देखिए, बहुत खूबसूरत कलर लग रहे थे और बहुत ही फिनिशिंग। बिन सैद तो फिर बिन सैद के ड्रेसेस तो फिर वैसे ही बिन सैद के ड्रेसेस होते हैं। ये देखिए जी कलर, ये सारे इनके पास कलर थे और ड्रेसेस के बहुत ज़्यादा रेंज थी। अच्छा, फिर हम फैंसी ड्रेसेस की तरफ आ गए थे। यहाँ ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी में फैंसी ड्रेसेस थे, पार्टी वेयर मेहंदी माइयों के हिसाब से, बारात वाली में के हिसाब से बहुत खूबसूरत कलेक्शन था, जो 5200 का आफ्टर डिस्काउंट सेल पे इन्होंने लगाया हुआ था। ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, दुपट्टे फुली एम्ब्रॉयडर्ड थे, शर्ट्स भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी इनके पास, तकरीबन सारे ही पार्टी वेयर ड्रेसेस थे। ये देखें, ये फुल एम्ब्रॉयडरी जाल वाला दुपट्टा था इसका। फिर इसके बाद ये कॉटन और चिकनकारी वाले ड्रेसेस की तरफ हम आ गए थे, तो ये जी ये भी 4000-5000 की रेंज के अंदर थे। ये मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन ये थे बहुत खूबसूरत। ये भी 5300-200 की रेंज में था। इसके अलावा कैजुअल ये मैक्सियाँ भी थी और कैजुअल भी था। ये देखिए, ये मैक्सी थी इनके पास, क्योंकि मैक्सीज की ज़्यादा ट्रेंड है, तो मैक्सीज की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, और फुल एम्ब्रॉयडरी मैक्सीज थी। ये सब 5300-200 की रेंज में थी। ये फैंसी ड्रेसेस भी थे, तकरीबन इसी रेंज में ही थे। इसके अलावा चिकनकारी का बहुत अच्छा स्टॉक था, कॉटन का बहुत अच्छा इनके पास स्टॉक था। ये इसके कलर दिखा रहे हैं फैंसी ड्रेसेस के, ये सब मैक्सीज ही थी यहाँ पे।
फिर हम आ गए थे यहाँ पे कॉटन के ड्रेसेस पे और चिकनकारी वाले ड्रेसेस पे, भी 4,500 की रेंज में थे। इसके पे कुछ पाइपिंग वगैरह हुई थी, कुछ डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, कुछ स्टिच हुई हुई थी, कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। मतलब ये फैंसीफुल ड्रेस जो थे ना, फैंसी थे। यहाँ पे ये चिकनकारी की भी फैंसी कलेक्शन ही था इनके पास। ये भी 4,000, ये मैक्सी थी जो बहुत प्यारी लग रही थी, ग्रीन कलर की। ये पूरी मैक्सी थी, ये भी चिकनकारी में थी। अच्छा, ये फिर उसके बाद यहाँ पे कॉटन के ड्रेसेस इन्होंने दिखाए थे जो 2700 की रेंज में थे। ये सारे ड्रेसेस 2600-2700 की रेंज में थे। ये भी स्टिच थ्री पीस सूट थे, कुछ एम्ब्रॉयडरी थे, कुछ प्रिंटेड थे, और कुछ ऑफिशियल ऑफिस यूज़ के लिए, जो खवातीन ऑफिस जाती हैं उनके लिए बहुत बेस्ट था कि भैया परचेज़ कर लें। मीडियम, एक्सल, लार्ज, सब साइज इनके पास अवेलेबल थे। ये कॉटन में और कुछ लॉन में स्टिच ड्रेसेस थे, ये सब 2600 की रेंज में थे। ये भी 2600 की रेंज में थे जितने भी ये दिखा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास मैक्सीज वगैरह भी थी, कुर्तियाँ भी थी, जो आगे जाके कलेक्शन में आपको शेयर करने वाली हूँ। ये देखें, इसके बाद ये सारे कलर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे इसमें। फिर हम आगे थे जी यहाँ पे। अच्छा, ये 5000 का ड्रेस था, ये भी कोई एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस था, ये फुल एम्ब्रॉयडरी था, और इस पे डिस्काउंट भी लगे हुए थे। कुछ पे डिस्काउंटेड थे, कुछ पे नहीं भी थे। ये 2600 की रेंज में, इस तरह मतलब 26 से लेके 3000-4000 तक की रेंज के अंदर सारे ड्रेसेस थे इनके पास। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, ये देखिए, ये उसी के कलेक्शन है ड्रेसेस का। फिर इन्होंने हमें कुछ कुर्तियों का कलेक्शन भी दिखाया था, कुछ फैंसी कुर्तियाँ थी, कुछ विंटर के हिसाब से भी देख लो, क्लियरेंस सेल में भी लगे हुए थे कुछ ड्रेसेस। ये भी सब 2600 की रेंज में थे ड्रेसेस स्टिच। अच्छा, फिर ये जो था, ये किड्स का जो पार्ट था, वहाँ पे हम आ गए थे किड्स कॉर्नर पे। तो यहाँ पे 2000-1800-1500 की रेंज में बच्चों के ड्रेसेस वगैरह थे। ये सारे बच्चों के, छोटे बच्चों के, 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों के ड्रेसेस थे। ये देखें, कोटी वाला बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी 1800-2000 इसी रेंज में थे सारे। 1500 से लेके 2500 तक की रेंज में सारे बच्चों के ड्रेसेस थे यहाँ पे, ये देखें। और तकरीबन सारे ही फैंसी थे, मेहंदी भाइयों के हिसाब से भी थे, कैजुअल वेयर भी थे, ईद के हवाले से भी थे, रमज़ान के हवाले से भी थे। मतलब काफ़ी कलेक्शन था इनके पास, बच्चों का बहुत ज़्यादा स्टॉक था क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा था नहीं, तो हम ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे फिर स्पेंड नहीं करा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुर्तियाँ भी लगी हुई थी, जो आजकल जॉर्जेट में कुर्तियाँ जिस टाइप की चल रही हैं, ये देखें, ये तकरीबन 1800-1900 की सेल में लगाई हुई थी इन्होंने। ये बहुत खूबसूरत मैक्सीज लग रही थी, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा था नहीं सब चीज़ें देखने का, कवर करने का, लेकिन मैक्सिमम जितनी चीज़ें कवर कर सके वो हमने कवर कर ली। ये मैं सारी मैक्सियाँ 1800 थी। इसके अलावा यहाँ पे कुर्तियाँ भी लगी हुई थी, ये देखिए मैक्सीज में कलर डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर थे। इसके अलावा कुर्तियाँ भी 1900-2000-1800-1900-1900 इसी तरह से इसी रेंज में सिर्फ कुर्तियाँ स्टिच कुर्तियाँ थी। इसमें एम्ब्रॉयडरी वाली भी थी, फैंसी भी थी और नॉर्मल भी थी कुछ। इसमें मैक्सिमम जो थी एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्तियाँ थी जो 1900 की सेल में लगी हुई थी यहाँ पे। ये इनके कलर्स थे और ये बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहे थे। दुपट्टा और ट्राउज़र ये अलग से भी अटैच करके दे देते हैं इसके साथ। तो जी, ये आज का कलेक्शन था सारा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये कुर्तियाँ थी, ये भी 1900 की रेंज में थी। ये सारा कलेक्शन इनका 1900 की रेंज में कुर्तियों का लगा हुआ था। ये सब स्टिच यहाँ से, ये देखिए कलर और डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं इसके सारे। तो जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये कलर देख लिया जी, आप करीब से देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, मैं उनका नंबर भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको एड्रेस ना मिल रहा हो तो आप इजीली पहुंच सकते हैं यहाँ पे। ये सारे कलर इनके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।